जी हाँ, और ये हमारा आखिरी फैसला है। आप दोनों को वतन निकाला दिया जाता है, और वो भी एक साथ। एक साथ? अब हमारा क्या होगा? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। तुम मेरे लिए मत बोलो। खामोश। गलती आप दोनों ने की है तो सजा भी आप दोनों को मिलेगी। आपको तुर्किस्तान छोड़कर जाना होगा और पूरे अरबिस्तान के 12 मुल्कों में से किसी एक मुल्क का ताज लेकर लौटना होगा। ऐसा नहीं होता अब्बा, ऐसा नहीं होता। ये तो आप सही खेल गए। सर पे चोट हमारे लगी, लेकिन असर आपके दिमाग में हुआ है, इसलिए आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये गलत है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, और ऐसा कोई कानून भी नहीं है। वज़ीर आला, ऐसा एक कानून है शहजादे। आप तो बोलिए ही मत, आप तो इनके वजीर आला है, हमारे तो है नहीं, तो आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? ऐसा कोई कानून नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है। हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। सुल्तान, ऐसा मत कीजिए। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, सूली पर चढ़ जाऊंगी, लेकिन इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। देखा, ये जाने नहीं चाहती हमारे साथ, और तुम सूली पर चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। सुल्तान, हम अपनी अय्याशी छोड़ देंगे, अपना निकम्मापन छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, सब, और आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। और हमें इसके साथ मत भेजिए, गाली चोर रही है। और हमें कहीं मत भेजिए, हमें यही रहना है। आपने अपनी जिंदगी के 18 साल 17 महीने बर्बाद कर दिए। कहाँ? आप चलना दौड़ना तो सीख गए, पर अपने पैरों पर खड़ा रहना नहीं सीख पाए। गलती शायद हमारी थी, हम ये भूल गए थे कि छांव के साथ साथ एक पौधे को धूप की भी जरूरत होती है। जाइए, इस धूप में तप कर पक कर लौटिएगा। सुल्तान, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुल्तान, इन दोनों को एक ही हथकड़ी से बांध कर सरहद पार ले जाया जाए। सुल्तान, यह क्या कर रहे हैं? सुल्तान, हम नहीं जाएंगे। सुल्तान, एक आला सुल्तान, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रुको, अब मुस्कुराइए हुजूर। हुजूर, ऐसा कोई कानून नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? करना पड़ा वजीर आला। जब शहजादे पैदा हुए थे तो उनके हाथों पर एक चांद का निशान था। इस चांद को एक न एक दिन सितारा मिलेगा। एक लड़की जिसके हाथ पर सितारे का निशान होगा, वो लड़की शहजादे को उस मकसद तक लेकर जाएगी जो मकसद किस्मत ने उसके लिए चुना होगा। हम अपने बेटे को तो रोक सकते थे, पर उसकी तकदीर को कैसे रोके वजीर आला? इनका साथ तकदीर ने जोड़ा है, अब इनके ऊपर है कि ये दुश्मन बनकर साथ चले या फिर दोस्त बनकर। जानती हूं कि वो झूठ बोल रहा है। सबसे काबिल शागिर्द की तलाश उसे किसी नेक काम के लिए नहीं है। उसका इरादा आखिर है क्या? रुखसार बेगम, शिपान और कोल का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। या अल्लाह, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सारे रास्ते हमने बंद कर दिए। वहां उस तालीम घर के बाहर हमारा जादुई दायरा है, इसलिए रुखसार बेगम जाकर भी वहां से भाग नहीं सकती। वैसे तो वो हमारी बात मानेंगे नहीं, लेकिन उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो उस तालीम घर और तालीम घर के बच्चों पर हमारे गुस्से की आग बरसेगी। आग, आग का कायदा सिखाने का वक्त आ गया है। उस्ताद गुलबदर, सब बच्चों से कहिए कि पनागाह में चले जाएं फौरन।
शैतान का चाबुक है, जिस किसी की पीठ पर एक मर्तबा पड़ गया तो जल जाता है। बस इसी का खौफ रुखसार बेगम को कोई गलती करने नहीं देगी, और इसीलिए वो अपने सबसे काबिल शागिर्द को याद सफर के सामने पेश करें। क्यों? शैतान का सच्चा याद नफर हम हैं, अय्यार सफर। तक लिया मगरिब। क्या? हमें मगरिब चलना चाहिए। मशरिक। ए चल हटा सावन की घटा, जो यास्मीन बोल रही है वो कर। ए चुड़िया तुम ज्यादा मत बोलो। हाँ ए अपनी बहन को समझा लो कि शहजादे से कैसे बात करते हैं। ओ निकम्मे शहजादे, हम दोनों ना एक दूसरे का साया है और साये साथ नहीं छोड़ते। शुक्रिया तो दूर की बात, बदतमीजी भी कर रही हो मेरे साथ। किस बात का शुक्रिया? हमने तुम्हारी बहन की जान बचाई है। वो तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी, अपना झूमर बचाया था। अब तुम बैठ क्यों रहे हो? क्योंकि हम शहजादे और हम जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, और अब हमारी मर्जी तभी होगी जब तुम हमें शुक्रिया कहो। शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मैं इस मुसीबत में पड़ी, तुम्हारी वजह से मुझे तुर्किस्तान छोड़ना पड़ा। तुम कह रहे हो तो मैं शुक्रिया बोलूं? कहना तो पड़ेगा। अरे क्या मच मच लगा रखा है, ये हथकड़ी तोड़ो और अपना अपना रास्ता नापो। ये हथकड़ी खुल भी नहीं रही है चटरपटर। अरे ये बगदाद के वो बुलबुल चाचा है ना, उन्होंने बनाई है, ऐसे नहीं टूटेगी। तो इसे खुलवाने कहीं तो जाना पड़ेगा ना। कहाँ जाएं? सफर कहाँ से शुरू करना ये तो हमें पता नहीं, दूर दूर तक यहाँ कुछ भी नहीं, और हम शहजादे हैं, हमें ये सब नहीं पता होता। निकम्मा शहजादा। क्या बोला तुमने? निकम्मा शहजादा। गम्मा मैं गम्मा गम्मा मैं चोरू की कहाँ फंस गई बिड़ू इन दोनों के चक्कर में। मैं जानती हूँ इस तालीम घर के बाहर सुल्तान सफर का जादुई दायरा है, इसे पार कर पाना नामुमकिन। जब एक बच्चे ने उसे पार करने की कोशिश की थी पर ये दायरा ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा। थोड़ी तैयारी और करनी है, उसके बाद मैं अपने किसी बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। तो जैसे हैवान ने बगदाद में किसी को दुआ तक करने की इजाजत नहीं दी है, पर तू भूल गया, दुआ होठों से नहीं दिल से की जाती है। तू आवाज उस तक पहुंचाने से तो रोक सकता है, पर उस तक दुआ पहुंचाने से नहीं रोक सकता। रास्ता दिखा मेरे मौला। कर रहे हो? हम शहजादे, अगर हमें ऐसे देखिए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं तुम्हें पता नहीं, तुम बिल्कुल मशहूर नहीं। अरे
हमें मिस्र चलना चाहिए। हमें सुरीन चलना चाहिए। देखो, मिस्र की शहजादी बहुत खूबसूरत है। महिता और अभी वहां की शहजादी अकेली होगी। उनका दिल जीतना कितना आसान होगा। तुम शहजादों को इश्क लड़ाने के सिवा कुछ नहीं सोचता ना? और तुम चोरनियों को जुबान लड़ाने के अलावा और कुछ नहीं सोचता? मैं तुरीन इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ का ताज जीतना आसान हो। और अगर तुम्हें मिस्र चलना है तो ठीक है, चलते हैं। मेरे साथ हथकड़ियों में बंधकर लड़ा लेना तुम शहजादी से इश्क। आज पहली बार तुमने सही बात कही। मैं हमेशा सही बात कहती हूँ। तो अच्छा एक काम करता हूँ, मैं ना तुम्हें सही बात करने वाला नौकर रख लूंगा। शहजादे हो गए तब ना। क्या तुम भूल रहे हो कि तुम तुर्किस्तान से बाहर आ गए हो और अब तुम शहजादे नहीं आम इंसान हो। देखो, हम ना आम है ना केला है ना संतरा है, हम शहजादे हैं। शहजादे निकम्मे शहजादे। और वैसे भी तुम जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ तुरीन चल रहे हो। नहीं क्यों? यहाँ देखो क्या है ना, वहाँ बहुत धूप है जिसकी वजह से हमारी खूबसूरती खराब हो जाएगी, इसलिए वहाँ नहीं जा सकते, समझो इस बात को। ठीक है तो हम पाकिस्तान चलेंगे। नहीं 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 नहीं, हाँ तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब वहाँ धूप बहुत कम रहती है और कम धूप में हम नहीं रह सकते, हमारी खूबसूरती खराब हो जाएगी। ठीक है, ये लो पकड़ो। बताओ इन 12 मुल्कों में से हम कहाँ जाएं? तुर्काबाद जाएं, बुखारा जाएं? इतनी बार बताएं, हम शहजादे हैं, हमारा मन करेगा तो बता देंगे। चलो हम किसी ऐसे मुल्क जाएंगे जहाँ के नौकर अच्छे हों और वफादार हों, वफादार और महल खुले और हवादार। तुम दोनों का बंटा धार हो। अगर इस बार की दुआओं में ताकत अलादीन और यासिन वापस आएंगे। वो हैवान आने ही वाला है, किसी को तो भेज दे मौला, किसी को तो भेज दे। हम यहाँ जाएंगे? नहीं, हम यहाँ जाएंगे। तुम कौन होती बोलने वाली? हम यहाँ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम कौन होती हो? तुम्हारी क्यों सुनूं? नहीं, मैंने कहा ना, हम अच्छा वहाँ जाएंगे। कहाँ किधर जाने का है? हम यहाँ जाएंगे। हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम मिस्र ही जाएंगे। क्या खबर लाए हो पास? मिस्र, मिस्र, मिस्र। तुम्हें क्या लगता है मिस्र की शहजादी तुम्हें देखेगी और तुम्हारी दीवानी हो जाएगी? हाँ हो जाए। और वैसे भी हर लड़की हमारी दीवानी, दीवानी। अपनी अकड़ छोड़ो, तुम्हारे अब्बू ने हमें देश निकाला दे दिया और उनकी शर्त के मुताबिक हमें 12 मुल्कों में से किसी एक मुल्क का ताज लाना है। जमाना बदल के, लेकिन ये दोनों बिल्कुल नहीं बना। तकरार भी वही है और तेवर भी वही, और जब वक्त आएगा तो मोहब्बत भी वही होगी। वक्त बहुत कम है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी मंजिल बगदाद है? किसी को तो उन्हें रास्ता दिखाना होगा।
मोहब्बत अगर हो जाए तो इंसान खुदा हो जाता है, आका को राह दिखाने को मेरा अक्स जुदा हो जाता है। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। माफ कीजिएगा, मुझे लगा आपके शौहर का हाथ है। वैसे अच्छा तरीका है ये अपने शौहर को अपने पास बांध के रखने का। ओ, ये और मेरा शौहर, ये मेरा शौहर नहीं। तो फिर इतना गुस्सा क्यों हो रही थी आप? वैसे इतना गुस्सा तो अपने मोहब्बत पे ही आता है। चुप! और तुम चार कदम चलते ही बोरी की तरह लेट गए, मालिश करवाने लगे। सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? एक चमकते चांद, सुन रहे ले कि नहीं? ओहो, मजा आ गया। ये लो भाई तुम्हारे नाम। यहाँ इनाम बांटते रहोगे तो चलोगे कब? कुछ कह रही थी क्या? तुमने एक लव भी नहीं सुना? नहीं। अरे ये बिड़ू तो गया। तुमने उसे बस मालिश के लिए अपनी अंगूठी दे दी। हाँ, तो हमारी थी, हमने दे दी? तुम्हारे अब्बू का तोहफा थी, तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं थी। देवर मेहनत की कमाई भी होती है? हाँ, शहजादे हो ना, मेहनत कमाई ये सब के बारे में कहाँ पता होगा। वैसे कभी पसीना भाया तुम्हारा? हाँ, तो नहीं, एक बार हमारा पंखा झलने वाला नौकर देर से आया था, बहुत पसीना बह गया था, बहुत पसीना। दादे ऐसे ही होते हैं। गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अब्बू ने कभी तुम्हें कोई अच्छी चीज सिखाई ही नहीं। हमारे अब्बा ने तुम्हारे अब्बा की तरह गलत काम करना नहीं सिखाया, तुम्हारे अब्बा ने शराफत करना सिखाया, तुम्हारे अब्बू की तरह चोरी करना नहीं सिखाया। चोरनी कहीं की हमारा कड़ा चुरा लिया तो दिया नहीं, चोरनी कहीं की चोरनी चोरनी चोरनी। तेरे को खोपचे में ले जाकर खर्चा पानी दूं क्या? अरे इस बेचारी को कौन सिखाता, क्या सिखाता? इसके तो अम्मी अब्बू है नहीं, यतीम है। इसका भाई बहन दोस्त यार चाचा चाची मामा मामी सब अपुन ही है। अपुन ने इसको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया है। अब मेरे बारे में सब पता कर लिया हो तो आगे की मंजिल तय करें। मंजिल को चले जो लोग, मंजिल तक पहुंचाता हूँ मैं। बंजारा हूँ, लोगों को रास्ता दिखलाता। क्या हो, फकीर हो, हथेली की लकीर हो, जो मंजिलों से है जुदा तो है ना तेरा। मावा गुमशुदा, बाबा गुमशुदा, सबसे खास बुझी, 18 बरस की प्यास बुझी।
कपड़े सिलवा लो दर्जी से, तुम आए नहीं हो मर्जी से। तकदीर बड़ी कमबख्त है यारो, एक साल का वक्त है यारो। आओ सीने में दिल ढूंढे, तुम दोनों की मंजिल ढूंढे। बगदाद, बगदाद, बाबा गुमशुदा भी बगदाद जा रहे हैं। चलना तुमको सिखलाएगा बाबा, रास्ता दिखलाएगा। हम चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? बगदाद, बगदाद। वो दोनों आ गए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली? तो चले चलिए चलिए। Three.